दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी शॉप पर जाए, हर शॉपकीपर से ये कहे कि मुझे 50 दाने चीनी के चाहिए और 200 दाने चावल के चाहिए और 30 दाने दाल के चाहिए, तो शॉपकीपर तो परेशान हो गया ना। दोस्तों, इसी तरह कभी कभी वीव्स यानी बीवियां अपने हस्बैंड से भी पूछ लेती हैं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। हस्बैंड अब उनको क्या जवाब देगा कि 50 लीटर, 30 लीटर, 2 मन, 50 किलो। तो दोस्तों, इसी तरह वो चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी जिनको गिना नहीं जा सकता, इनको तो अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमने पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। दोस्तों, मैंने जानबूझकर कल वाले वीडियो लेक्चर में आपको अनकाउंटेबल नाउन यानी मटीरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में नहीं बताया था। इसलिए नहीं बताया था कि ये जो चीज़ें हैं यानी अनकाउंटेबल नाउन, इसके बारे में हमेशा कंपैरेटिव एग्जाम एनटीएस और पीपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें इसको अच्छी तरह समझना होगा। तो मैंने भी सोचा कि आपके लिए एक अलहदा वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने कल ही बता दिया था, लेकिन आज भी बताता चलूं कि वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने पिछली मिसालों में देखा था, चीनी के दानों को हम गिन नहीं सकते, और इसी तरह चावल के दानों को, दाल के दानों को भी गिन नहीं सकते, मोहब्बत को भी गिना नहीं जा सकता। आपको ये बताते चलें कि मटीरियल नाउन वो चीज़ें होती हैं जिनको एक प्रोसेस के ज़रिए तैयार किया जाता है, और वो पहले अपनी असली हालत में नहीं होती, और कुदरती तौर पर वो इस दुनिया में पाई जाती हैं, और इसके साथ भी किसी किस्म का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और दोस्तों, अगर हम मटीरियल नाउन के बारे में बताएं कि ये फलां कंट्री का या फलां जगह का मटीरियल है, तो हम फिर उस मटीरियल नाउन के साथ दी का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, इट इज़ द गोल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया, इट इज़ द कॉयल ऑफ थर। दोस्तों, अगर आपको मटीरियल नाउन के एग्जाम्पल देते जाएं, तो सबसे पहले लोहा, सोना, चांदी, सिल्वर, कॉपर, ऑयल। दोस्तों, अब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी बात कर लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगल ही इस्तेमाल होता है, और इसके साथ भी किसी किस्म का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पावर, सिंसेरिटी, लव, हेट, ब्यूटी, जेलसी और रिस्पेक्ट वगैरह शामिल होते हैं। और दोस्तों, इसी तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिना भी नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि लव को हम गिन नहीं सकते, इसी तरह ऑनेस्टी को भी गिन नहीं सकते, और साथ ही साथ किसी की जेलसी को भी नहीं गिन सकते। और कोई हमसे कितनी नफरत करता है यानी हेट करता है, हम उसको भी नहीं गिन सकते। और हम अगर किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि हम उसको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दोस्तों, हम यही कहते हैं ना कि मैं आपका बहुत ज़्यादा अदब करता हूँ, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि आप कितना अदब करते हैं। और इसी तरह यानी ये जो चीज़ें हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल करते हैं। और दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप लोगों ने जाते जाते 1 किलो लाइक और 2 मीटर कमेंट ज़रूर करना है। अपने दोस्त, अपने भाई इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कीप इम्प्रूविंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।